हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। ये जो अपडेट है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। यदि आप लोग इसका फॉर्म भर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड का तैयारी जारी रखें, क्योंकि यदि आप शॉर्ट हैंड पास कर जाते हैं तो आसानी से इसमें आप जॉब पा सकते हैं। 452 सीट है तो मुश्किल से ही इसका सीट भरता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट हैंड में ही छट जाते हैं। देखिए, इसका फॉर्म भरा जा चुका है और कुछ लोगों का फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ था, जिसके कारण डेट एक्सटेंड किया गया है। क्या है अपडेट, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 अंतर्गत फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने का जो डेट था 15/8/2022 के मध्य रात्रि तक था। ऐसे में अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन अंतर्गत तिथियाँ निम्नवत विस्तारित की जाती है। अब देखिए, जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा 17/8/2022 से लेकर 19/8/2022 तक, और एडिट करने का जो डेट है 20/8/2022 से लेकर 22/8/2022 तक। यानी कि दो दिन का समय आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने में मिला है और दो दिन का समय आपको एडिट करने के लिए मिला है। तो ऐसे में एक गोल्डन अवसर आप सभी के पास है, शॉर्ट हैंड का तैयारी जारी रखें। जब भी एग्जाम होगा, फॉर्म आया है तो एग्जाम होगा ही, और शॉर्ट हैंड पास कीजिए और जॉब ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आप लोग जेसीसी सीजीएल में खोरठा भाषा लिए हैं और खोरठा का आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, या तो फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, तो टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में खोरठा का टेस्ट जारी है। साथ ही आशुलिपिक हो या तो जेसीसी का कोई भी वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी का खोरठा क्लास टारगेटपुर एप्लीकेशन में जारी है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं।